वेलकम बैक टू माय चैनल सकुरा। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हो। तो आ गए हैं आप लोगों के बीच में और एक नया ब्लॉग लेके। आज का ब्लॉग भी हेल्पफुल होने वाला है, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और साथ ही साथ और एक चीज बोलना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, आज के ब्लॉग में है गिव अवे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिए। तो आज मैं रख रही हूँ एक गिव अवे प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ब्लॉग लेके आई हूँ, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों को पता चल गया है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो नॉर्मली मैं बहुत ही सिंपल बन के आती हूँ ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा ही होगा, नोटिस किया ही होगा। तो आज दिख रहे होंगे मेरे फेस में ब्लश, फाउंडेशन, लिपस्टिक सब कुछ है। मतलब एक्चुअली मैं रील्स बना रही थी, तो रील्स बनाने के टाइम पे पूरा एकदम मेकअप वेकअप जितना हो सके उतना करके मतलब मैं रील्स बनाती हूँ। तो सोचा कि मैं मेकअप एक्चुअली रिमूव करने वाली थी, तो मैंने सोचा शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल रहे, तो एक ब्लॉग बना देती हूँ कौन से प्रोडक्ट से मैं मेकअप रिमूव करती हूँ। तो इसी बात पे मैंने आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बनाया है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, मेकअप तो चलो कर लिया जैसे तैसे हो, लेकिन ये मेकअप रिमूव कैसे किया जाए। अभी भी बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे मेकअप लगा के डायरेक्ट फेस वॉश लगा देते हैं, डायरेक्ट साबुन लगा लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना होता है, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही खराब होता है। क्योंकि उससे जो लोग अभी भी करते हैं उन लोगों को पता ही होगा, उन लोगों के स्किन में बहुत सारे दिक्कतें आ ही गई होंगी। हमारे मेकअप, जब हम मेकअप यूज करते हैं, मेकअप यूज करने के बाद हमारे स्किन को बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो पिंपल्स वगैरह आने का या ब्लैक डार्क बैठने का ये सब ज्यादा ही हो जाता है। तो मैंने भी काफी सारा टाइम मतलब इसमें स्पेंड की है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किया, ये यूज किया, वो यूज किया, जो जो रिकमेंडेशन कर रहे थे मैंने ट्राई किया। बट फाइनली लास्ट 1 ईयर से मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो मेरा अभी फेवरेट है, तो मैं आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट को शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ आफ्टर मेकअप मैं अपना स्किन का केयर कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ। अभी आप लोगों को बोला लास्ट 1 ईयर से यूज कर रही हूँ, ये बायोडर्मा का जो मिचेलर वाटर है मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये मेरा 4th बॉटल बोल सकते हो, और ये 250 ml है। इसमें छोटे साइज का भी मिल जाती है और इससे भी बड़े साइज का मिल जाता है, तो मैं 250 ml वाला ले लेती हूँ। तो ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही मैजिकल वाटर है, सच्ची बोल रही हूँ। क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको ज्यादातर मुंह पे खींचना नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को डेमो भी दिखाऊंगी, इसलिए मैंने मेरा मेकअप रहने दिया था ये ब्लॉग के लिए स्पेशली। चलो आप लोगों को दिखा देते ये सच्ची में मैजिकल है कि नहीं। तो मैंने एक कॉटन पैड ले लिया है और उसमें कुछ ड्रॉप डाल दूंगी मिचेलर वाटर का। तो अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाऊंगी, मैं स्क्रीन के थोड़े पास आ गई हूँ। ये देखना आप लोग, ऐसे डायरेक्ट रिमूव करने से ये 1 लेयर में इतना डायरेक्ट कितना सारा निकल गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है मिचेलर वाटर। तो मैं ये पूरे फेस में इसको मैं ऐसे, एक ही कॉटन पेज से भी हो जाता है ये, ज्यादा वेस्ट नहीं होता, मेरे कॉटन पेज भी बसा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो एक साइड मैंने पूरा फाउंडेशन ब्लश जो भी था एक साइड चिपका दिया, और दूसरे साइड जो मेरा लिपस्टिक था वो डार्क कलर का था, एक साइड पूरा लिपस्टिक, और मैंने पानी एक बार ही लिया था, आप लोगों ने देखा है। तो कितना ज्यादा फर्क आ गया देखो, ये मैंने फेस अभी तक वॉश भी नहीं किया है, सिर्फ पोस लिया है इससे। तो इसके बाद मैं क्या यूज करती हूँ वो भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने ये बस पोज दिया एंड मेरा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद का मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, शीट मास्क सबको पता ही होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ब्रांड के मिल जाते हैं, ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का है, तो ये शीट मास्क मैं अभी यूज करूंगी। शीट मास्क का ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं सिर्फ एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ, मैं बहुत सारे ब्रांड का यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे शीट मास्क की खुशबू बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को ट्राई करने को बहुत मन होता है, हर एक दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो मैं अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ। तो ये मेरे पास अभी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का था, तो मैं यही लगा रही हूँ अभी। ये वाले शीट मास्क का आप लोगों को दिख रहे होंगे, इस साइड कान तक है एकदम, और इस साइड आपका नेक भी आपका अच्छे से, ये देखो नेक में भी अच्छे से आ जाएंगे, इतना बड़ा शीट मास्क है इन लोगों का। तो इसको लगा कि 15 मिनट होना पड़ते हैं, तो मैं 15 मिनट होने तक क्या करूं, कुछ कर लेती हूँ।
तो गाइस 15 मिनट हो गए, मैं वापस आ गई हूँ। अभी मैं इसको निकालूंगी, उसके बाद मेरा जो तीसरा स्टेप है ये है जेल रोलर और गुआसा का स्टेप, जो मैं अपने फेस को मसाज करूंगी जिससे। तो ये मेरा तीसरा स्टेप है। तो इस स्टेप को मेरा फेवरेट बोल सकते हो, मेरे को बहुत मजा आता है क्योंकि जैसे मैं ये सीट पास निकाल लेती हूँ पूरा स्किन एकदम सीराम से भरपूर रहते हैं, तो उसके बाद मजा आ जाता है मतलब मसाज करने के लिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, जैसे कि हमारा एज होते रहते हैं तो हमारे फेस में रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आप फेस मसाज करते हो आपके रिंकल्स बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं। जैसे कि आपका 30 स्टार्ट हो गई हो तो थोड़ा बहुत रिंकल्स का दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो जब आप फेस में मसाज करना स्टार्ट कर दे तो आपका रिंकल जल्दी नहीं आते। तो ये एक हमारे लेडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज है, अपने स्किन को मसाज करना चाहिए। ये सब प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, मीशो पे भी मिल जाएंगे, अमेजन पे भी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे। ट्राई करना अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैं अभी स्किन को पुश नहीं करूंगी, जो सीट मास्क का सीरम होते हैं ना वो ऑलरेडी गाल में है, तो मैं इसको वॉश भी नहीं करूंगी, प्लस मैं इसमें और कुछ प्रोडक्ट भी नहीं लगाऊंगी, अभी मैं ऐसे ही रहूंगी क्योंकि मेरा स्किन टोटली साफ हो गया है एंड सीरम भी ऑलरेडी फेस पे है तो मॉइस्चराइजर ही है। तो चलिए, ये तो हो गया मेकअप रिमूवल के पार्ट, स्किन केयर का हिस्सा। तो अभी चलते हैं हम लोग गिव अवे के साइड। गाइस, आज मैं गिव अवे में आप लोगों के लिए क्या लेके आती हूँ चलिए दिखाते हैं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, स्पेशल ओमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ विनर को क्या मिलेंगे। एक ही विनर होंगे, उनको मिलेंगे ये प्रोडक्ट्स, और जो गिव अवे रूल्स है वो भी समझा देती हूँ आप लोगों को। आज का जो हैम्पर है मेरा आप लोगों के लिए स्पेशली ओमेन के लिए है, लेडीज के लिए है। एक मैं पहले आप लोगों के लेके आई हूँ बिकिनी लाइन हेयर रिमूवर, और फिर लेके आई हूँ एक वाइप्स जो इंटीमेट वाइप्स है, फिर आपका लेके आई हूँ एक मेंस्ट्रुअल कप, और ये लेके आई हूँ मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर जो बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट्स है आप लोगों के। बिकिनी लाइन रिमूवर है ये, कुछ इस तरह का दिखता है। फिर आपका जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये मेंस्ट्रुअल कप है, ये एम साइज में है, एंड दिस इज मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर जो मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद क्लीन करना होता है वो वाला प्रोडक्ट। एंड वाइप्स तो सबको पता ही है, ये रहा आज के प्रोडक्ट। तो गाइस चलिए गिव अवे रूल्स भी बता देते हैं, इससे मैंने लिख के रखा है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। जो पहला रूल है वो है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को क्लिक करना पड़ेगा, बेल आइकन को। सेकंड जो है आप लोगों को मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है। तीसरा जो है आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग को शेयर करना पड़ेगा फेसबुक पे, अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम में, एंड उसके थ्रू आप लोगों को सब्सक्राइबर लाना पड़ेगा। आप लोग जितना सब्सक्राइबर लाओगे मैं उतना ही आप लोगों का बोनस पॉइंट होंगे। आप अगर एक सब्सक्राइबर लाए आपका प्लस वन होंगे, दो लाओगे दो होंगे। बस एक काम करना, आप जो अपने सब्सक्राइबर साथ में लेके आओगे ना उनको बोलना, कमेंट पे बोले कि आपके थ्रू आए हैं, आपका जो भी नाम होंगे आपके थ्रू आए हैं। एंड फोर्थ जो रूल है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे आने को है तो हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखना है सबको, बहुत ही इजी रूल है। तो गाइस ऑल द बेस्ट, सभी को पार्टिसिपेट करिएगा एंड जो विनर होंगे वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पे ही खत्म करने वाली हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिन्होंने भी ब्लॉग को एंड तक देखा है सभी को दिल से थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिए, मैं नए नए ब्लॉग लेके आप लोगों के बीच आती रहूंगी। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। बाय बाय।